है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये उसी पर बेस्ड है, टैन इनवर्स के फॉर्मूले पर। ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले लिख करके देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले के लिए इसमें उसको कवर नहीं किया था, अब कवर कर रहे हैं क्योंकि काम ही वो यहाँ पर आता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है अरेंजमेंट्स के लिए, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है फॉर्मूलेज आपके। वो फॉर्मूलेज हैं टैन इनवर्स ऑफ वाई, सबसे पहला टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। समझ में आ गया, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन वन प्लस x इंटू y। समझ में आ गया, ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। समझ आया क्लियर है, दो फॉर्मूले आपको पक्के करने हैं, इसी फॉर्मेट में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर एडिशन फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वन माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है, तो फटाफट से दोनों को नोट कर लो और उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एस को कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें सबसे पहला सवाल क्या है उसको देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ क्या है ये 8x अपॉन 1 माइनस 15 एक्स का स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या ये जो है कोई फॉर्मेट में बैठता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो या तो आपको उसको क्वार्ट में कन्वर्ट करना है तो 10 में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया, आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नजर नहीं आता जो क्वार्ट या 10 में उसको कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट एक हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं टैन इनवर्स वाला जो अभी फॉर्मूला यूज किया ना वो लगा सकते हैं। वो कैसे अरेंजमेंट है बताता हूँ। यहाँ पर जैसे एडिशन होगा बिल्कुल वैसे यहाँ पर उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्प्लिट होगा। मतलब समझाता हूँ मैं, टैन इनवर्स ऑफ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस 3x, हाँ से लिख सकते हैं, 8x को लिख सकते हैं 5x प्लस 3x, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x इंटू 3x, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, गौर से देखो, ये 5x प्लस 3x क्या होगा 8 होगा, और इसको क्या लिखा मैंने 1 माइनस क्या होगा 5 3 15, x इंटू x क्या होगा आपका x स्क्वायर। तो इस तरीके से बिल्कुल यही फॉर्मेट हमने ऐसे कर दिया। समझ आ गया, क्लियर है। अब लेकिन ये कुछ अलग तरीके का है जो अभी मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स ऑफ अगर आपके पास है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, यहाँ दो चीजों का जो एडिशन है, यहाँ पर 1 माइनस वही दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये तो किसी चीज का फॉर्मूला है, किसका, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला है। समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, ये तो सेम चीज नजर आ रही है, सेम वैसे कुछ नजर आ रहा है, ये वाला टर्म प्लस वो वाला टर्म डिवाइड बाय, यहाँ पर जो एडेड है यहाँ पर उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है, वैसा लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ 5x, है ना, tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पर 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ ये आपका क्या है 3x। समझ में आ गया, क्लियर है। ये साइन डिसाइड करेगी कि tan इनवर्स के प्लस का फॉर्मूला लगेगा या माइनस का लगेगा। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जब वहां माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, देख लो ध्यान से, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ जब माइनस होगा तो वहां भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, अब तो कुछ बचता ही नहीं बच्चों, अरेंज कर लिया तुमने इसको, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। पहला क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy / dx = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5x क्या हो जाएगा 1 / 1 + क्या हो जाएगा 5x द होल स्क्वायर * डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा 5x का लेना पड़ेगा, बताने की जरूरत तो नहीं ना अभी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 / 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका होगा 3x का होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल है, 1 अपॉन 1 प्लस 25 का एक्स 25x स्क्वायर इनटू 5x का डेरिवेटिव 5 होगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्या होगा 3x स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 होगा, क्लियर हो गया। तो यही है तुम्हारा आंसर, अगर कुछ अरेंजमेंट दिया है स्पेशल मैं आपको करके दे देता हूँ। समझे, क्लियर है। चलो क्या है इसके अंदर, वही 1/3, ठीक है, 3 पहले लिखा है, 3 वाले टर्म पहले और 5 वाले टर्म बाद में, एक ही बात है, 3x + 5x लिखा है, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक है, चलो ठीक है, तुमको समझा दिया मैंने, अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो क्या है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ ये दिया हुआ है 1 + 35 x² अपॉन क्या हो जाएगा
2x हो गया, समझे? क्लियर है? चलो अब क्या करना है, अब सबसे पहली बात तो cot inverse का फॉर्मूला, cot inverse का तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं जो इस फॉर्मेट का हो, ये तो cot में या तो tan tan में कन्वर्ट करना, ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको tan inverse लिख देता हूँ, तो जाएगा 2x अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 35x2। समझ में आया? क्लियर है? आपको दिमाग से अरेंजमेंट करना है, जो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना है वैसे यहाँ पर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टा जाता हूँ, मैं पहले नीचे वाले को स्प्लिट करने का सोचता हूँ, ऐसा फैक्टर ढूंढता हूँ मैं कि क्या हो जाए उनके बीच का जो सम या डिफरेंस आए वो क्या है, ऊपर वाले के वर्ग से बराबर आ जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर सोचूं ऐसा कि 35 क्या होगा, 7 × 5 = 35 होता है, और 7 - 5 क्या होगा, 2 होगा, यानी ये फैक्टर परफेक्ट है। समझ में आ गया? तो मैं ऊपर से नहीं सोचता हूँ, मैं नीचे वाले से सोचना शुरू करता हूँ, ठीक है, कि उसको ऐसा मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर वाले के से बराबर क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो ये जाएगा 7x - 5x अपॉन 1 + 35 क्या होगा, 7x * क्या हो जाएगा, 5x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या, अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + x * y, तो ये वाली साइन होगी, ये वाला फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये x, x मतलब 7x - tan इनवर्स ऑफ 5x, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया? ये साइन के हिसाब से लिख दो, ठीक है। अब ये तो y मिला ना बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अब उसको अभी y डैश निकालेंगे, सर y डैश तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon 1 + x2, x की जगह पर क्या है 7x² × 7x का डेरिवेटिव क्या होगा 7, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ 5x 1 upon 1 + क्या हो जाएगा 5x² × 5x क्या होगा 5, तो 7 अपॉन ये वाला टर्म और ये वाले ये अपॉन ये वाला टर्म। समझ में आ गया? तो 7 upon 1 + 14x² - 5 upon 1 + 25x², तो मैं इसके अलावा क्या अरेंजमेंट करेगा, कुछ भी रट के नहीं आता हूँ मैं, x टेम्पो जैसे मुझे क्लिक होता है वैसे कराता हूँ, समझे? क्लियर है? कुछ रट्टा मार के नहीं आता हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या है नेक्स्ट, तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, तीसरी चीज है y = tan inverse of क्या है ये 2√x / 1 + 3x, ये अपने पास है, ठीक है ना। अब इसको अपने को सोचना है कि अपन कैसे इसको अरेंज करेंगे, तो ये जो 3x है इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि क्या हो रहा है 2√x के से वो क्या हो जाए सेट हो जाए प्लस या माइनस करने के बाद। तो कैसे करेंगे इसको, सोचो 3x को मैं कैसे स्प्लिट करूं, 3x का कैसे स्प्लिट होगा, सोचो 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 क्या कर सकते हैं हम लोग। x को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ रही सबसे पहली चीज कि x को मैं लिख सकता हूँ √x * √x, ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ गया, तब भी वो क्या होगा x ही होगा, है ना, ये मुझे समझ में आता है। अब मैं 3 को क्या कर सकता हूँ वो तुम सोचो, 3√x है, हो गया अरेंजमेंट, देखो बस x को अरेंज करने पे हो गया, ये ऐसा है ना 3x था, मैंने क्या लिख दिया ये √x * ये √x है ना, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, चलेंगे तो 3√x * 1√x, बस समझ में आ रही 3√x * 1√x। अब इसको माइनस करो, 3√x में से 1√x माइनस करोगे तो क्या आएगा 2√x, हो गया अरेंजमेंट। समझ में आ गया? तो कुछ ज्यादा मुझे दिमाग लगाना ही पड़ा, सिर्फ मैंने इसको स्प्लिट किया जो मुझे समझ में आया, क्यों मैंने किया √x, क्योंकि ऊपर मुझे √x नजर आ रहा था, मुझे आंसर में √x सही था, तो मैंने क्या कर दिया 3√x माइनस क्या हो जाएगा 1√x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोले जल्दी से डिवाइड बाय 1 प्लस इसको तो कुछ मत करो √x, 1√x मतलब √x ही होता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। समझ में आ गया? हो गया फॉर्मूला अरेंज, जो यहाँ पर माइनस में है वही यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इसका फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस अपॉन 1 + x y, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। समझ में आ गया? क्लियर है? ये y मिला, y डैश निकालो, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon 1 + x² है ना, into अभी कहानी खत्म नहीं हुई, into डेरिवेटिव क्या होगा 3√x माइनस इसका क्या होगा 1 upon √x² * डेरिवेटिव ऑफ क्या है √x है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से अभी अपन ने कर लिया, तो ये क्या है, ये अपने पास है, अब तो 1 upon 1 + क्या होगा 9x हो जाएगा √x² 3 का स्क्वायर 9 √x² * डेरिवेटिव ऑफ ये क्या होगा 3√x, 3√x मतलब क्या 3 × √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon 2√x माइनस इसका क्या होगा 1 upon 1 + क्या है x हो जाएगा √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon 2√x। सो तुम्हें अगर 1 upon 2√x को तुमको चाहिए तो तुम कॉमन ले लेना, अरेंजमेंट तुम कर सकते हो, बहुत बेसिक सा है ये सब, क्या करना है।
ठीक है, 1/2 रूट एक्स को कॉमन ले लो, जो अंदर बच जाएगा कॉमन उसको लिख दो, इतना बेसिक तो तुमको आना चाहिए। ठीक है चलो, इसके अलावा मुझे उस पर चलते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, जो tan इनवर्स ऑफ, ये आपका क्या है, 2x+2 अपॉन क्या है, अपॉन है 1-3x में आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि इसको आसान नहीं है अरेंज कर लेना। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे आप क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर ये जो 4x है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2² x। समझ आ गया, ध्यान से देखना, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, एकदम आसान एकदम हलवा नहीं है क्वेश्चन, अरेंजमेंट अच्छा है इसका। ठीक है, तो 2² x, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर दो पावर से रेज्ड है तो उसका मतलब x को अंदर भेज सकते हो, तो को बाहर कोई दिक्कत नहीं, a^b c, तो a^c^b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, क्लियर है? तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2x² ऐसे लिख दिया। अब 2x² मतलब क्या हुआ, 2x × 2x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी ये जो है आपका 4x इट कैन बी रिटन एज, इसको तो मैं पहले स्प्लिट करूंगा 2x × 2x, ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा है, अगर a^m × a^n तो क्या लिख सकते हो, a^m+n, तो m+n है तो उल्टा कर दिया, ये ऐड है पावर, तो मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट करके ऐसे मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। तो 1- क्या होगा, 3 × इसको लिख सकते हैं 2x × 2x। समझ आया, क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 4, तो 2x × 4, और डिनोमिनेटर में क्या आया 1-3 × 2x × 2x। समझ में आया, क्लियर है इस तरीके से? तो अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये 3 और ये पूरा एक टर्म बन रहा है, और ये 1 × ये पूरा एक टर्म बन रहा है। समझ में आ गया, जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होता है वही यहाँ पर, वहां पर ऊपर, यहाँ माइनस है वहाँ एडिशन में होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो वहाँ एडिशन में होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो वहाँ सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए। समझ में आ गया, अब यहाँ माइनस है तो वहाँ एडिशन में होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अच्छा ट्रिकी सा में ये 2x × 4 को लिखूंगा 3+1, 4 को क्या लिख दिया मैंने 3+1, 1-3 × 2x वैसे का वैसे, और 1 × 2x वैसे का वैसे, 1 कहाँ से आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया, क्लियर है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x को अंदर भेजो, जैसे ही मैं क्या कर दूंगा 2x को अंदर भेजूंगा, तो देखो ध्यान से क्या होगा, 3 × 2x और 1 × 2x, तो 3 × 2x + 1 × 2x हो गया ना अरेंजमेंट। जो यहाँ नीचे मल्टीप्लीकेशन में है वो वहीं पर क्या है, ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है। समझ में आया, क्लियर है? तो 1-3 × 2x, और ये क्या है आपका 1 × 2x। समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला बनेगा प्लस है यहाँ पर, तो tan इनवर्स ऑफ क्या होगा 3 × 2x। समझ में आ गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 × 1 × 2x मतलब 2x। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपके पास बनेगा, ये पूरा ब्रैकेट जाएगा, उसको मैं डिफरेंशिएट करके देता हूँ। आई होप आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा, अच्छा खासा ट्रिकी अरेंजमेंट है। समझ में आया, क्लियर है? चलो भाई, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या करेंगे, अभी आपको डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x² 1/1 + 3 × 2x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है? प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 + x² × 2x का होल स्क्वायर। समझ आया, क्लियर है? तो हो गया काम, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये इनटू एक और चीज देनी पड़ेगी, इनटू डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × 2x का डेरिवेटिव अपने को लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फॉर्म का फिर फंक्शन का, प्लस ये क्या होगा 1/1 + 2x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है? अब उसके आगे की कहानी क्या है, उसके आगे की कहानी ये है, 1/ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो 2x का स्क्वायर, है ना, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2x का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे, जो अरेंजमेंट होगा उस हिसाब से कर लेंगे, तो ये कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इनटू 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 प्लस 1/1 + 2x द होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ये मुझे नजर आ रहा है, इनटू 2x log 2। समझ आया, क्लियर है? ये तुमको दिया गया है
अब इसमें से क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट टू एक्स टू को टूरिस्ट एक्स लॉग टू को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने क्या कर दिया, टू रेस टू एक्स लॉग टू को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, थ्री अपॉन वन प्लस नाइन इंटू टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब बुक में क्या दिया है वो एक बार देख लेते हैं, बस आपसे अरेंजमेंट कर लेंगे। बुक में टेंथ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थ्री है ना, आई थिंक, तो हाँ बराबर है, बिल्कुल बराबर है। टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर मतलब टू रेस टू टू एक्स, एक ही बात है, समझ में आ गया, क्लियर है? और वन अपॉन टू रेस टू टू एक्स, तो टू रेस टू एक्स स्क्वायर को लिख दो, टू रेस टू टू एक्स, ये भी लिख दो टू रेस टू टू एक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है ना? चलो तो ये भी तुम्हारे पास हो गया, ये मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है, ठीक है? रट्टा जो नहीं मारता है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है, जो अपने दिमाग से करते हैं, रट्टा मारने में अलग लेके आया तो दिमाग चला। आई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, ये आपका क्या है, टू रेस टू एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस थ्री इंटू फोर रेस टू एक्स, ये आपके पास है, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये दिया गया है। तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, अब इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले 4 रेस टू एक्स को क्या लिख सकते हो, बताया था मैंने, इसको लिख सकते हो 2 रे 2 स्क्वायर द होल रेस टू एक्स, क्या लिख सकते हो 2 रेस टू एक्स इनटू 2 रेस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ऐसे होगा कि 2 रेस टू एक्स इनटू 2 रेस टू एक्स, क्या होगा आपका 2 रेस टू 2 का आपके पास क्या है, द होल रेस टू एक्स, समझे? तो यहां पर 4 रेस टू एक्स को सबसे पहले फुर्सत में ये लिख दो, क्या लिखो 2, इसको भी स्प्लिट कर दो, समझ आ रहा है क्या बोलूँ मैं, क्लियर है? 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 2 1 माइनस 3 इंटू, क्या मेरे पास है बताओ, मेरे पास है 4 रेस टू एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स, समझ आ गया? ये मैंने करा दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन करा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है y is equals to tan inverse of 2 raised to x upon क्या है ये 1 plus 2 raised to x 2 raised to 2x plus 1, ये आपके पास है, ठीक है, क्लियर है? चलिए सबसे पहले तो उसको स्प्लिट करो, कैसे स्प्लिट करोगे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर सकते, देख के समझ में आ रहा है, 1 plus इसका क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 raised to 2x into 2 raised to 1, सो इतना आ गया, ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है? अब उसके बाद जो है आगे मुझे क्या करना है अरेंजमेंट, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 रेस टू 2x को ऐसा लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो 2 रेस टू 2x है ना, ऐसा है तो 2 रेस टू x द होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 रेस टू 2x और 2 रेस टू x द होल स्क्वायर की बात है, तो 2 रेस टू x * क्या हो जाएगा 2 रेस टू x, समझे? 2 रेस टू x द होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 रेस टू x * 2 रेस टू x, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू x / 1 + 2 रेस टू x * 2 रेस टू x * 2, समझ आया, क्लियर है? तो ये मैंने कर दिया, अब कुछ बचता ही नहीं, यहाँ पर जो होता है उसमें से यहाँ पर उसका क्या करना है अपने को, यहाँ पर प्लस है तो उसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मतलब क्या समझाता हूँ, 1 प्लस इसको ये 2 और ये 2 रेस टू एक्स को एक साथ लिख देते हैं इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू 2 रेस टू एक्स को साथ में लिख देते हैं, तो यहाँ पर मुझे जो मल्टीप्लीकेशन में मिल रहा है वह वहाँ पर यहाँ प्लस है तो वहाँ सब्ट्रैक्शन में मिलना चाहिए। देखो 2 रेस टू एक्स में से अगर मैं क्या कर दूंगा 2 इंटू 2 रेस टू एक्स में से अगर 1 इंटू 2 रेस टू एक्स को माइनस करूंगा तो क्या है 2 रेस टू एक्स, तो सबसे पहले कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी क्या होगा 1 यानी 2 रेस टू एक्स, समझे? तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो 2 रेस टू एक्स आ रहा है, देखो सॉल्व करके बता दिया मैंने, तो इसका मतलब 2 रेस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू 2 रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू 2 रेस टू एक्स इंटू 1 इंटू 2 रेस टू एक्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लीकेशन में अरेंज होता है वही आपको क्या करना है न्यूमरेटर में प्लस या माइनस करके अरेंज करना है, समझे? क्लियर है? यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस करके अरेंज करना है, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस करके अरेंज करना है, ठीक है? तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, क्या बचेगा बताओ, एक्स माइनस वाला आपका 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई, वाई क्या है 1 इंटू 2 रेस टू एक्स मतलब 2 रेस टू एक्स, अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बाकी तुमको आता है डिफरेंशिएट करना तो उसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है? इसमें असल क्या है, इसका अरेंजमेंट है, वो आपको प्रैक्टिस से ही समझेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, कई क्वेश्चन में तो तुम फंसोगे,
तो प्रैक्टिस कर करके कर करके तुमको समझ में आएगा कि क्या तुमको अरेंजमेंट लेना है। ठीक है चलो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ क्या आपके पास है ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव ए एक्स। समझे क्लियर है ये अपने पास दिया गया है। ठीक है अब कॉट इनवर्स आपको दिया है तो आप क्या करोगे सबसे पहले बताओ इसको आप लोग क्या करोगे टैन इनवर्स करके लिखोगे कि फॉर्मूला हमारे पास टैन इनवर्स का है। कॉट इनवर्स में इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल है तो फाइव एक्स ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसे का आपके पास हो जाने वाला है। ठीक है ना अब आप लोग क्या करोगे आपको जो फॉर्मूले में अरेंज करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से तो काम नहीं बन रहा देख के समझ में आ रहा था कोई तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है जो टैन या कॉट में इसको अरेंज करते तो और जो अपने पास इनवर्स वाला फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर हमेशा वन चाहिए होता है ध्यान दिया होगा आपने तो यहाँ पर क्या चाहिए वन चाहिए होता है। तो सबसे पहला काम क्या करो सबसे पहला काम यहाँ पर ए स्क्वायर से क्या कर दो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड पे दोनों को अगर ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से टेन इनवर्स ऑफ फाइव ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं तो सबसे पहली फुर्सत में तो आपने क्या कर दिया ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल ये और ये कैंसिल तो बचेगा क्या therefore y is equals to क्या बचेगा आपके पास tan inverse of क्या बचेगा आपके पास tan inverse of ये क्या है 5x upon a और denominator में क्या बचेगा denominator में 1 minus 6x square upon a square। समझ में आ गया clear है ये मेरे पास अभी बच गया है। अब ये जो है इसको split करना पड़ेगा इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैंने बोला ना हमेशा डिनोमिनेटर में स्प्लिट करो फिर वही ऐड या सबट्रैक्ट करके हमें अरेंज करना होता है तो टेन इनवर्स ऑफ पहले डिनोमिनेटर को अरेंज करो वन माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं थ्री एक्स बाय ए थ्री टू का क्या होता है सिक्स और टू एक्स बाय लिख सकता हूँ आंसर हो जाएगा थ्री टू का सिक्स एक्स इंटू एक्स ए इंटू ए स्क्वायर बन गया बराबर। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन या माइनस वहां पर ऐड करके देखो ये मिला है क्या 3x by a plus 2x by a चेक करो हो जाएगा डिनोमिनेटर से में तो 5x by a हो गया यानी हो गया अरेंजमेंट तो 5x by a को क्या लिख सकते हो 3x by a plus 2x by a। समझ आया ऐसे स्मार्ट अरेंजमेंट करना है। ठीक है अब तो बच ही क्या गया है y is equals to formula का tan inverse of a plus b upon 1 minus ab या फिर x plus y upon 1 minus xy तो tan inverse of x plus tan inverse of y। समझ आया क्लियर है अब उसके बाद आपको क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा आपको ये देखो ध्यान से therefore differentiating with respect to s तो dy by dx is equals to क्या होगा tan inverse of x का derivative क्या होगा 1 upon 1 plus x का square into derivative किसका लेना है into derivative आपको लेना है 3x by a का plus 1 upon 1 plus 2x by a का square into derivative किसका लेना है into derivative लेना है आपको 2x by a का। समझ में आया clear है तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं ये 3x by 3 by a बाहर जाएगा 1 x का derivative respect to x क्या होगा 1 होगा 2 by a बाहर जाएगा बाकी arrangement तुम कर लेना। ठीक है clear हो गया तो ये भी तुमको करा दिया मैंने अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्या है ये जो arrangement है इसे practice से ही तुमको समझेगा ऐसा तुमको ख्वाब में नहीं आने वाला है कि क्या arrangement करना है समझे। चलो सिक्स क्वेश्चन आई थिंक करा लिए मैंने तो सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन कहता है y is equals to tan inverse of a plus b tan x divided by b minus a tan x। इसका शॉर्टकट भी है क्योंकि लॉन्गकट से बता देता हूँ शॉर्टकट में तो सीधा ये x का डेरिवेटिव लो बनाएगा आज से समझ में आया क्लियर चलो ये समझाता हूँ मैं चलो तो यहाँ पर जो है क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले ये अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर वन और वन कैसे अरेंज करोगे तो वही कहानी क्या कहानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो बी से डिवाइड कर दो तो बी और ये क्या हो जाएगा tan x अपॉन बी बाय बी माइनस ए बाय बी और ये क्या हो जाएगा tan x। समझ में आया क्लियर है इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा बी और बी क्या हो गया कैंसिल बी और बी क्या हो गया कैंसिल क्या बचेगा tan इनवर्स और ये क्या है ए बाय बी प्लस tan x डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस ए बाय बी और ये क्या आ जाएगा tan x। ठीक है ना क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते अब तो कुछ बचता ही नहीं ना हो गया ये जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कोई एडिशन में समझे तो आपको सीधा समझ में आ गया
x plus y upon 1 minus x, x into y. So tan inverse of a by b. So समझ में आ गया? Plus tan inverse of क्या होगा? दूसरा वाला है ही tan x. Tan inverse of tan x. समझ में आ गया? Clear है? ये तो zero होगा. इसका derivative zero होगा ना? क्यों? अरे भाई constant है ये. A by b constant है. Tan inverse of tan x. Tan inverse of tan x क्या होगा? इसको तो वैसे लिख दो tan inverse of a by b plus tan inverse of tan x is x. समझ में आया? Clear है? चलो भाई. तो therefore क्या हो जाएगा? Therefore tan inverse इसका derivative ले लो. Y dash ये जीरो होगा प्लस वन आंसर आएगा. वन मैंने कहा था वन आंसर आएगा. समझ में आ गया? ठीक है ना. शॉर्टकट बताऊंगा आगे एक एक केसेस में. अभी तो वक्त नहीं है. ऑलरेडी बहुत सारा काम करना है. ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट और नाइन्थ रह गया था, वो मैं आपको करा देता हूँ. एट और नाइन्थ और ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा. टोटल 69 क्वेश्चंस है इसके. 69 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोग ने कर लिए इसके. हमारा एक तो नाइन तक कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? टैन इनवर्स ऑफ 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 ये आपको दिया गया. अब ये जो क्वेश्चन है ये अब तक का सबसे अलग क्वेश्चन है. जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इससे हटकर है इसको. ठीक है, इसका टाइप. तो अभी इसको समझने की कोशिश करो. सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर tan इनवर्स होगा तो या तो cot अरेंज करो या तो tan अरेंज करो. दोनों में से कोई भी आपके पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इस फॉर्मेट का आपको दिखता है. आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा. तो कुछ और जुगाड़ क्या है? कुछ और जुगाड़ ये है कि हम लोग ट्राई करेंगे. ये पूरे हम लोग ने क्वेश्चन में यही देखा कि देखो यहाँ माइनस है, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का एक फॉर्मूला है. क्या है वो? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y. समझे? यानी ये tan इनवर्स को ऐसा कुछ अरेंज करते हो शायद काम मिल जाए. अब ऐसा अरेंज करने में सबसे पहली चीज जो है वो ये 1 है. यहाँ पर बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है. यहाँ से शुरुआत करनी है, पहले 1 अरेंज करना है आपको. पूरा स्टेप वाइज आपको मैं बताता हूँ, पूरा आपको समझ में आ जाएगा. तो tan इनवर्स ऑफ क्या है? 5 माइनस x. न्यूमरेटर को तो हाथ ही मत लगाओ. मैं स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ ये पूरे क्वेश्चन में, पहले ये वाला टर्म x इंटू वाई वाला टर्म अरेंज करो. समझ में आ गया? दे रहे हैं? चलो भाई, तो ये जो भी है ना, मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. है ना, प्लस 1 माइनस 1 किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वैसे के वैसे ही आ गया. अब क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x. अभी न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाएंगे, ये 1 को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे 1 तो चाहिए ही चाहिए. अब जो है बाकी जो चीजें हैं उसको जरा समझने की कोशिश करो. ये माइनस 1, ये माइनस 3 विल बी माइनस 4 प्लस 6x स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस 5x अपनी जगह पर. समझ में आ गया? ये अगर आप देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4. और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. है ना, फैक्टराइजेशन. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं आप? ये इसको क्या करो आप? मल्टीप्लाई करो. 6 4 का क्या होगा? 24. आपको 24 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको माइनस करने पे माइनस 5 आए. 24 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे माइनस 5 आए वो होता है 8 3 जा 24. समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? माइनस करो, 8 माइनस 3 माइनस 5 है. माइनस 5 चाहिए मतलब क्या? ग्रेटर नंबर पे माइनस, और माइनस करना है मतलब इससे प्लस आ जाएगा. ये सब 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, आता होगा. तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ जरा? ये क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 माइनस 4. यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन, 2x कॉमन आ सकता है. तो अंदर क्या हो जाएगा? x माइनस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 3x. ये क्या होगा? 3x माइनस क्या होगा? 4. ये समझा क्या बोला मैंने? 2x कॉमन लिया ना, तो 2 3 का क्या होगा? 6 होगा. तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं, तो 3x माइनस 4. तो उसके बाद क्या होगा? 3x माइनस 4 3x माइनस 4 इसको कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 2x प्लस 1. समझ आ रहा है? तो बस क्या करना है तुमको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करो? प्लस 1 माइनस 1 अरेंज करो. समझ आ रहा है? उसके बाद जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा उसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो. आपको मिल जाएगा कि उसका फैक्टर क्या है. तो 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1. समझ आ रहा है? क्लियर है? इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. अब क्या? अब न्यूमरेटर अरेंज हो गया, यानी डिनोमिनेटर में x और y अरेंज हो गया, प्रोडक्ट अरेंज हो गया. अब न्यूमरेटर अरेंज करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड है उन्हीं दोनों को माइनस करके न्यूमरेटर बनना चाहिए. तो आओ चेक करते हैं, ये दोनों को माइनस करते हैं. क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास है 3x माइनस 4, और माइनस किससे करना है अपने को बताओ? माइनस किससे करना है? 2x
प्लस वन को माइनस करना है, तो 3x माइनस फोर माइनस 2x माइनस वन, 3x माइनस 2x विल बी, बोलो जल्दी से, x हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस फोर माइनस वन क्या होगा, माइनस फाइव होगा। आप बोलेंगे ये उल्टा आ रहा है, तो तुम उल्टा भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मतलब क्या 2x प्लस वन में से माइनस क्या करते 3x माइनस फोर, दोनों पॉसिबिलिटी देख लेना, जो भी बैठता है वो लगा देना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वन माइनस 3x प्लस फोर, 2x माइनस 3x विल बी माइनस x, प्लस वन प्लस फोर कितना होगा प्लस फाइव, यानी फाइव माइनस x, यानी एग्जैक्टली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ऐसे सोचना है इसको, समझे? इस क्वेश्चन का अप्रोच नहीं समझ पाते बच्चे, अप्रोच समझाया है तुमको मैंने, ठीक है? अब 5 माइनस एक्स को क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 3x माइनस 4, नीचे जो दो चीजों का प्रोडक्ट है उन्हीं दो चीजों को माइनस करके आपका न्यूमरेटर अरेंज हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना बच्चों, अब तो आपका फॉर्मेट सीधा अरेंज हो गया। क्या फॉर्मेट है? tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y, तो क्या फॉर्मूला है बताओ जरा, क्या फॉर्मूला है? therefore y is equals to tan inverse of x, क्या है x आपके पास है 2x plus 1 minus tan inverse of, ये क्या है आपके पास 3x minus 4, इसका derivative क्या होगा, ये तो अरेंज हो गया ना, y dash derivative निकालो, tan inverse of x का derivative क्या होगा, 1 upon 1 plus 2x plus 1 the whole square into derivative किसका लोगे, 2x plus 1 का derivative माइनस टेन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स माइनस फोर द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, ये थ्री एक्स माइनस फोर, समझ में आ गया, क्लियर है? क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वन अपॉन, कुछ भी मत करो उसको, वैसे ही रहने दो, टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, ये टू आ जाएगा, माइनस जो भी है यहाँ पर माइनस आपका क्या होगा, ये हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस 3x minus 4 the whole square. समझ आया, क्लियर है? इस तरीके से मैंने आपको ये सॉल्व करके दे दिया। अब सेकंड वाला मैं अरेंज करके दूंगा, डेरिवेटिव खुद निकाल लेना। सेकंड मतलब जो आखिरी वाला है, तो इस टाइप का सेकंड है, ठीक है? चलो भाई, तो ये टाइप का क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ जाए कि करना क्या है। सबसे पहले क्या करो, वन अरेंज करो डिनोमिनेटर में, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो आपका क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा उसको आप सॉल्व करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है? y is equals to cot inverse of, क्या दिया हुआ है, 4 minus x minus 2x square, denominator में है 3x plus 2, formula मेरे पास cot inverse का नहीं है, tan inverse का है, सबसे पहले क्या कर दो, इसका inverse लो, इसका inverse क्या हो जाएगा बताओ, पता है ना tan inverse of क्या हो गई है, 3x plus 2, उल्टा आ जाएगा, cot को tan inverse बनाएंगे, cot inverse को, तो 4 minus x minus 2x square, सबसे पहला step तो ये कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, न्यूमेरेटर को हाथ नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर में प्लस वन माइनस वन अरेंज करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वन माइनस वन कर दिया, प्लस फोर माइनस एक्स माइनस टू एक्स पे, बाकी चीजों को कुछ हाथ नहीं लगाना है, अब वन को छोड़ देना है, न्यूमेरेटर को छोड़ देना है, बाकी आप अपने हिसाब से क्या करोगे, अरेंज करोगे आप, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन वन को कुछ नहीं करना है, माइनस वन प्लस फोर विल बी प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अभी डायरेक्टली इसको सॉल्व मत कर देना, इसको पहले क्या करना है, देखो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है, तो अगर ऊपर प्लस है ऊपर को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ जब माइनस करोगे तो टेन इनवर्स ऑफ, यानी बेसिकली माइनस कैसे लेकर आओगे, माइनस को कॉमन ले लो, तो ये जाएगा माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, समझे? जैसे ही ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ जरा, अंदर हो जाएगा आपका सारे जो भी टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाएगी, माइनस करने पर प्लस वन है, थ्री टू जा माइनस करो, यानी ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, 2x को कॉमन x को कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, समझे, क्लियर है? यानी ये ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हैं,
therefore y is equals to tan inverse of, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x plus 2, denominator में 1 minus, ये जो आपका टर्म आया, ये पूरा क्या आया इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आया 2x plus 3 into x minus 1, अब तुमने denominator को अरेंज कर लिया, अब तुम जाओगे numerator पे, 1 हो चुका, product हो चुका, अब numerator अरेंज करो, यहाँ minus है, तो ऊपर क्या होगा, फिर plus होगा, यानी इन दोनों को plus करके ये आना चाहिए, आओ चेक करते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ तुमको, ये वाला पार्ट जो है एग्जाम में नहीं लिखना है तुमको, तुमको सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने, समझ में आ गया, क्लियर है, ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं करना, ठीक है, चलो आगे, अब इन दोनों को ऐड करके चेक करो आ रहा है क्या, उसको रब कर देता हूँ मैं यहीं पर ऐड करके चेक कर देता हूँ, क्या क्या है, 2x plus 3 plus x minus 1, 2x plus x क्या होगा, 3x plus 1 plus 3 minus 1 will be plus 2, आ गया समझे, यानी 3x plus 2 को ये लिखा जा सकता है, 2x plus 3 plus x minus 1, तो therefore क्या हो जाएगा, y equals to tan inverse of, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x plus 3 plus x minus 1, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 minus क्या हो जाएगा, 2x plus 3 into x minus 1, समझ में आया, क्लियर है, तो tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, y equals to tan inverse of x, जो भी साइन होगी वो, प्लस tan inverse of y, अब बाकी तुम डिफरेंशिएट करना तुम जानते हो, तो तुम डिफरेंशिएट करके इसका निकाल लेना, समझ आया, क्लियर है, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत क्वेश्चन है कैलकुलस में, लेकिन चैप्टर भी कम है बाकी की कंपैरिजन में, तो दो चैप्टर तो ऑलरेडी आखिर के हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको कराते जाऊंगा, ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है या जो अप्रोच है वो आपको प्रॉपरली सिखाते जाऊंगा, तो प्रॉपर से वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आएगा, नोट्स जब तक नहीं बनाते हो तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे, क्लियर है, तो फटाफट से इसके नोट्स बनाओ, अभी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे इसके वीडियोस, ओके, थैंक यू।